हेलो ब्यूटीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक माय चैनल ब्यूटी विद मनीषा। और मैं हूँ मनीषा। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ड्रामेटिक मेकअप लुक। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा। अगर आता है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। साइड में बेल आइकन होगा, उसे हिट कर लेना ताकि जो भी मैं मेकअप वीडियोज अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा मेकअप। सबसे पहले हम आईलिड्स कंसील करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। उसको सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन की फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का काजल इन द शेड ग्रीन। आपको तीन शेड्स मिलेंगे, एक ब्लू, एक ग्रीन एंड एक ब्लैक। तो मैंने ग्रीन शेड अपने आउटर वी एंड इनर वी पे अप्लाई करूँगी एंड एक फ्लैट टॉप बफिंग ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से उसको मैं बफ कर दूंगी। को थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा क्योंकि ये काजल है तो क्विकली ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ कर रही हूँ SFR का पैलेट, जिसमें से मैंने ग्रीन शेड अपनी जो भी क्रीम काजल यहाँ जहाँ पे मैं अप्लाई किया था उसी के ऊपर मैं ये पाउडर शेड अप्लाई करूँगी एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं विंक निकालूंगी, आप देख सकते हो। देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँ ये ऑरेंज एंड येलो शेड अपनी क्रीज लाइन में, उसको डिफ्यूज़ कर दूंगी। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लिटर ग्लू, क्योंकि हम यहाँ पे ग्लिटर लगाने वाले हैं तो उसका फॉलोआउट ना हो इसलिए। ये ग्लिटर है फोक्युलर के इन द शेड गोल्डन एंड ये ग्लू आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। एंड गाइस, हमारा ये आई मेकअप डन हो चुका है। आपने देखा कितनी ईजी मेथड से हमने ड्रामेटिक आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी ये मेबेलिन का आईलाइनर। ये बहुत ही अच्छा वाटरप्रूफ, स्मच प्रूफ एंड इंटेंस ब्लैक वाला लाइनर है। आप डेफिनेटली इस लाइनर को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। देन यहाँ पे मैं एक छोटा सा विंग इनर कॉर्नर में भी निकालूंगी। आप देख सकते हो कितनी ईजी मेथड से आप इनर कॉर्नर में भी विंग निकाल सकते हो। देन यहाँ पे मैं आईब्रो फिलिंग करना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYB की आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन। हल्के हल्के स्ट्रोक्स लेके मैं अपनी आईब्रोज फिलिंग करूँगी। देन एक स्पूली की मदद से मैं अच्छे तरीके से जो प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। देन यहाँ मैंने ऑफ कैमरा फॉल्स लैशेस अप्लाई की है। फॉल्स लैशेस एंड रियल लैशेस को मिक्स करने के लिए मैं यूज़ करूँ यहाँ मस्कारा। यह है मेबेलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा एंड जो भी फॉलोआउट गिरा है उसको मैं एक विट टिश्यू की मदद से अच्छे तरीके से वाइप अप कर दूँगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करूँ यहाँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। ये ऑयली स्किन वाले के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। आई डेफिनेटली रिकमेंडेड, जिनकी ऑयली स्किन है या ओपन पोर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा ये मॉइस्चराइजर। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ ब्लू हेवन का प्राइमर। आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्राइमर अप्लाई करना अगर आपके ओपन पोर्स है या ऑयली स्किन है या पिंपल प्रोन स्किन है, क्योंकि अगर आप कंजूसी करोगे प्राइमर में तो आपकी स्किन बहुत ही डैमेज हो जाएगी। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ मेकअप रेवोल्यूशन की फाउंडेशन स्टिक। आई एम इन द शेड F12। मैं अच्छी तरीके से अपनी स्किन में अप्लाई करूँगी एंड एक फ्लैट टॉप ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। आप देख सकते हो ये परफेक्ट मैच है मेरे स्किन टोन से। बट इस स्टिक की एक प्रॉब्लम है, ये गर्मियों में बहुत ही पिघल जाती है, तो आपको जब यूज़ करना है तो आप फ्यू सेकेंड्स के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छी तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी फाउंडेशन को। एंड देन यहाँ कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। मैं इसको अपने अंडर आई सर्कल पे, पिच ऑफ द रोज, क्यूपिड्स बो, चिन एंड फोरहेड पे अप्लाई करूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। ये क्रीमी होने की वजह से आपको बहुत तकलीफ नहीं आती ब्लेंडिंग करने में। मेकअप को लॉन्ग लास्ट करने के लिए एंड सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं इसे मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ करूँगी। कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोर पैलेट, जिसमें से मैंने ये डार्क ब्राउन शेड कॉन्टोर के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं हॉलोस ऑफ द चीक्स, देन नोज़ को, फोरहेड एंड जॉलाइन को मैं अच्छी तरीके से कॉन्टोर करूँगी। अगर आपको कॉन्टोर बहुत शार्प दिखाना है तो आप सेम पैलेट्स में से एक बनाना शेड लेके आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका कॉन्टोर बहुत शार्प लगता है। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ SFR का ब्लश। शेड्स मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप डेफिनेटली जाके चेक करना। बट ये ब्लशेस मैंने आई थिंक 450 में 6 ब्लशेस लिए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा डील पड़ गया था। एंड यहाँ पे मेरा हाइलाइटर पैलेट टूट गया जस्ट मैं ये मेकअप करते समय, तो या तो हाइलाइटर पैलेट है सिवाना का हाइलाइटर पैलेट है, जिसको मैं अपनी हॉलोज ऑफ द चीक्स, देन टिप ऑफ द नोज एंड क्यूबिड्स बो, चिन एंड ब्राउज बोन को हाईलाइट कर दूंगी।
सेम काजल मैं अपने वाटर लाइन में एंड लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूँगी एंड अच्छी तरीके से मैं उसको स्मच कर दूँगी ताकि दोनों आईज बैलेंस दिखे। मेकअप को लॉन्ग लास्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँ यहाँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर एंड यहाँ पे लिप लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की लिप लाइनर। शेड्स मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये मेकअप लुक ड्रामेटिक होने वाला है इसलिए मैं यहाँ पे लिपस्टिक भी ज़्यादा बोल्ड रखूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन की लिपस्टिक इन शेड बेरी। ये शेड बहुत ही रस्ट बेरी काइंड ऑफ है, मतलब बहुत डार्क इंटेंस पर्पल कलर है, नॉट पर्पल, पर्पल डार्क पर्पल मजेंटा टाइप। सो ये एंड या गाइस दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आता है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर लेना ताकि जो भी मैं मेकअप वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। एंड हाँ गाइस, हमको जल्द ही अपने 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय।